S. Chan presents Educational Video Lectures as per the new UGC-CBCS curriculum, absolutely free. Difficult science concepts made easy. Study anywhere, anytime. Can you tell me the name of a fish that is actually not a fish but an insect? And believe me, you would have seen it somewhere in your house. You have seen it in your house. स्पेशली जब आप आ, अपने बुक्स को हटाते हैं बुक रैक्स को क्लीन करते हैं तो कभी कभी पुरानी बुक्स में एक फिश मिलती है आपको वो लेकिन फिश नहीं है दैट इज़ बेसिकली एन इंसेक्ट कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दैट वेलकम टू एस चांद अकेडमी माई नेम इज़ आदित्य और आप इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लगातार देख रहे हैं एस चांद अकेडमी पर जुलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर के वीडियोज़ में इस वीडियो का जो मेन थीम है दैट इज फाइलम आर्थ्रोपोडा आर्थ्रोपोडा की हम बात करेंगे जिसमें बहुत सारे इंसेक्ट जो आप अपने चारों तरफ देखते हैं वो इंक्लूड होते हैं एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस फाइलम इज दैट ये सारे एनिमल किंगडम का सबसे सक्सेसफुल और सबसे बड़ा फाइलम है इसमें सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब तक अर्थ पर पांच बार आइस एजेस आई और बहुत बार मास एक्सटेंक्शन्स हुए लेकिन जो सबसे सक्सेसफुल ऑर्गेनिजम्स थे वो इंसेक्ट्स ही थे विच बिलोंग टू दिस फाइलम अगर आप जूलॉजी के और भी चीज़ों के बारे में और टॉपिक्स के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो आप इस बुक को रेफर कर सकते हैं और अगर आपके पास इसकी हार्ड कॉपी नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से ई बुक का एक्सेस ऑप्टेन कर सकते हैं सो द नेम ऑफ दैट फिश विच इज़ नॉट एक्चुअली फ़िश एंड यू फाइंड इट इन योर ओल्ड बुक्स एंड समाइम्स इन दलमेरा इज कॉल्ड ए सिल्वर फिश सिल्वर की तरह होती है छोटी सी फिश ऐसी लगती है लेकिन वो इंसेक्ट होती है लेकिन आप कैसे उसको इंसेक्ट प्रूफ करेंगे इज देर एनी एनी आइडेंटिफाइंग फीचर्स ऑफ दैट या फिर अगर मैं आपसे कहूँ कि आर्थरोपोडा एक फाइलम है और इसमें इंसेक्ट्स होते हैं तो क्या सारे आर्थ्रोपोड इंसेक्ट हो सकते हैं क्या आप स्पाइडर को इंसेक्ट कह सकते हैं

एनालिड्स भी ट्रिपलोप्लास्टिक थे तो ये भी ट्रिपलोप्लास्टिक हैं यानी कि इनकी जो बेसिक जोम लेयर्स हैं वो तीन होती हैं उनसे बनते हैं और एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो ट्रू सिलोमेट दीज आर ऑल्सो बायोलिट्रली सीमेट्रिकल बायोलिट्रली सीमेट्रिकल भी होते हैं और ये भी मेटामेरिकली सेगमेंटेड है जस्ट लाइक द प्रीवियस फाइलम वी हैव सीन एनेलिड्स सो दीज फीचर्स आर कॉमन विद अदर फाइलम्स ये बाकी फाइलम्स के साथ कॉमन फीचर्स हैं लेकिन इनका जो एक थोड़ा सा डिफरेंट फीचर है दैट इज हैव एन हार्ड एग्जो स्केलेटन अनलाइक मॉलस्क मॉलस्क के शरीर पर भी हार्ड स्केलेटन था हार्ड कवरिंग थी बट दैट वॉज मोस्ट लाइकली नॉन लिविंग पार्ट वो एक नॉन लिविंग पार्ट था वो सिक्रीटेड शेल थी उसके ऊपर विच इवन परसिस्ट आफ्टर द एनिमल डाइज एनिमल जब मर भी जाते हैं तब भी वो शेल्स परसिस्ट करती हैं बट हेयर

आर्थ्रोपोड्स को दुनिया का सबसे सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म कंसिडर किया जाता है यू वोट बिलीव दैट कॉकरोचेज काक्रोच जो होते हैं वो इतने पुराने हैं इतने पुराने हैं कि अब जब दुनिया में कोई भी बाकी स्पीशीज़ डेवलप नहीं हुई थी तब भी वो एग्जिस्ट करते थे और आज भी वो वैसे ही एग्जिस्ट करते हैं दे हैव इवाल्व वेरी लिटिल एंड दे हैव सर्वाइव मास एक्सटेंशन दे हैव सर्वाइव म्यूटोराइट हिटिंग्स ऑन दी अर्थ एंड देयर फॉर दे आर ऑल्सो नेम्ड एज लिंग फॉसल्स इसलिए उनको लिविंग फॉसल का नाम भी दिया जाता है इफ़ यू लुक एट लिटल बिट ऑफ स्टैटिक्स यू विल सी दैट अक्रॉस दर एनिमल किंगडम पूरे एनिमल किंगडम में करीब करीब सेवेंटी फाइव परसेंट ऑर्गेनिजम्स जो हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर अगर हम नंबर वाइज देखें तो सेवेंटी फाइव परसेंट ऑर्गेनिजम्स सिर्फ इंसेक्ट्स ही हैं और बाकी ग्यारह परसेंट इंसेक्ट्स के अलावा जो और आर्थरोपोड हैं सो यू कैन से रफली अराउंड एटी सिक्स परसेंट ऑफ द स्पीशीज अक्रॉस द ग्लोब दे बिलोंग टू दिस फाइलम इतने ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट हैं एंड रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स विच आर नॉन आर्थरोपोट दे आर मेयरली अराउंड फोर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन परसेंट सो टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच वी टॉक जस्ट नाउ दो चीज़ें जो आर्थ्रोपोड्स के बारे में नोटवर्दी हैं याद रखने की हैं एक वो सबसे सक्सेसफुल ऑर्गेनिजम्स में आते हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा नंबर में अगर कोई ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर आर्थ्रोपोड्स दिस फाइलम आर्थ्रोपोड इंक्लूड्स मोर स्पीशीज एंड मोर इंडिविजुअल्स देन ऑल द ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स बाकी सारे टेक्सॉन्स बाकी सारे फाइलम्स को मिलाकर जितने ऑर्गेनिजम्स हैं उससे कहीं ज़्यादा ऑर्गेनिज्म इस अकेले फाइलम में प्रेजेंट होते हैं सो दिस वर सम जनरल फीचर्स ये कुछ जनरल फीचर थे आर्थ्रोपोड्स के बारे में अब हम कुछ स्पेसिफिक फीचर्स की बात करेंगे जो कि आर्थरोपोड्स को आर्थ्रोपोड बनाते हैं या फिर आप उस उन फीचर्स की मदद से आर्थ्रोपोड्स की पहचान कर सकते हैं सो इफ यू लुक एट द वर्ड आर्थ्रोपोड इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स एंड पोडास पोडास की बात हमने की थी पहले भी गैस्ट्रोपोडा सेफेलोपोडा एनालिट्स वाले वीडियो में आपने देखा था तो पोडा रिप्रेजेंट्स द लेग्स और पैर को रिप्रेजेंट करता है आर्थ्रो रिप्रेजेंट अ जॉइंट राइट हेयर इन आर्थ्रोपोड्स द मेन कैरेक्टरिस्टिक इज जॉइंट्स आर एक्सटर्नल मतलब इनके जो अपेंडिजेज हैं वो बाहर से जुड़ी होती हैं जैसे हमारी हड्डियां हैं हमारे जॉइंट्स हैं वो तो अंदर से जुड़े हुए हैं ना अंदर जॉइंट है स्किन के अंदर और ऊपर से स्किन की कवरिंग है लेकिन आप ऑर्गेनिजम्स जो आर्थ्रोपोड्स हैं जो इन्सेक्ट हैं इनको कभी नोटिस करना इनके कभी लेग्स या इनके अपेंडिज़ को देखना आप पाएंगे कि अंदर से कोई इनमें ज्वाइनिंग नहीं है लेकिन बाहर से एक्सटर्नली ये एक्जोस्केलेटन की मदद से जुड़े हुए होते हैं तो एक्सटर्नली ज्वाइंटेड लेग्स दैट इज कंसिडर टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक और कैरेक्टराइजिंग फीचर ऑफ आर्थ्रोपोड्स जो कि बाकी ऑर्गेनिजम्स से इनको अलग बनाता है जिसकी मदद से आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं सो एक्सटर्नली जॉइंटेड लेग्स कभी कभी इनको अपेंडेजिजस भी कहा जाता है अपेंडेजि आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम लेग्स अपेंडेजस का मतलब है कि कोई भी एक्सटर्नल प्रोट्रूजन या कोई भी बाहरी बाहर निकलने वाला पार्ट जो कि इनकी मेन बॉडी से निकलता है उसको हम अपेंडेज कहते हैं वो पैर भी हो सकते हैं वो एंटेना भी हो सकते हैं विंग्स भी हो सकते हैं सो दीज आर द थिंग्स दैट मेक दैम यूनिक अपेंडेज़ का जो मेन काम होता है वो इनके मूवमेंट के लिए इनके फ्लाई करने के लिए या टू गैदर द फूड दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ दीज एक्सटर्नल इसके अलावा आर्थ्रोपोड्स जो हैं उनके शरीर पर एक हार्ड एक्सोस्केलेटन कवरिंग होती है आउटर शेल होती है जो कि किस चीज़ की बनी होती है काइटिन की बनी होती है नाउ आई कि काइटिन एक कार्बोहाइड्रेट है काइटन एक कार्बोहाइड्रेट है पॉलीमर है कार्बोहाइड्रेट का अगर आप इसकी यूनिट्स की बात करें तो मैं कहूँगा कि एमिनेटेड ग्लूकोज जो ग्लूकोज हम खाने में खाते हैं ना अगर उसी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर पर एक जगह अमीनो ग्रुप लगा दिया जाए अमीनो ग्लूकोज की बात करें तो उसी अमीनोग्लाइकेंस के बने होते हैं ये काइटन इंसेक्ट्स के अलावा काइटन एक जगह और प्रेजेंट होता है कैन यू गेस दैट एक और किंगडम है एनिमल किंगडम के अलावा जिसके बॉडी में जिनके सरफेस में काइटिन प्रेजेंट होता है और वो है फंजाई तो आप ये भी कह सकते हैं कि इंसेक्ट फंजाई के साथ एक्सोस्केलेटन का एक बेसिक फीचर शेयर करते हैं वो है केमिकल काइटिन दैट इज प्रेजेंट इन देयर एक्सोस्केलेटन कभी कभी इंसेक्ट आपके पैर के नीचे दब जाते हैं ना छोर से तो आवाज़ आती है क्रैकिंग साउंड आती है दैट इज बेसिकली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस काइटन इस काइटन की वजह से ही ऐसा होता है वो क्रैकिंग साउंड जो है वो आती है और यही काइटन उनके स्ट्रक्चर को उनके सर्फेस को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है तो आई होप आपको ये दो बातें अच्छे से समझ आ गई होंगी कि जितने भी आर्थ्रोपोड्स हैं दे हैव एक्सटर्नली जॉइंटेड लेग्स उनमें बाहर से जुड़ी हुई लेग्स या बाहर से जुड़े हुए अपेंडेजेस होते हैं दे डोंट हैव इंटरनल कनेक्शन इन देयर अपेंडेजेस एंड सेकंड थिंग दे हैव काइटनीसियस और काइटन कंटेनिंग एक्जोस्केलेटन व्हिच प्रोवाइड्स देम स्टेबिलिटी जो उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है अगली बात जो हम आ, और इसके एक कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफिक कैरेक्टर की तरह मेंशन कर सकते हैं दैट इज़ द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स आई होप यू रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट मेटामेरिज्म इन एनालिट्स एनालिट्स वो पहले ऑर्गेनिजम्स थे जिनके अंदर मेटामेरिज्म देखने को मिलता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलता है यानी कि बॉडी के अलग अलग पार्ट्स सेगमेंट्स जो होते हैं उनमें कुछ चीज़ों का रिपीटेशन होता है तो बिल्कुल वैसे ही इंसेक्ट्स में भी बॉडी में सेगमेंटेशन होते हैं पार्ट्स होते हैं और उन सेगमेंट्स के अंदर कुछ रिपीटेटिव फीचर्स होते हैं यानी कि इनके अंदर भी मेटामेरिक सेगमेंटेशन है जो एम्ब्रनिक डेवलपमेंट के दौरान इनकी ग्रोथ के दौरान जब ये लार्वा से एडल्ट बनते हैं उस टाइम पर इनमें वो प्रेजेंट होता है वो डेवलप होता है लेकिन इनका मेटामेरिक सेगमेंटेशन एक्सटर्नली भी अपेरेंट हो सकता है और वो यूनिक भी हो सकता है जैसे कुछ इंसेक्ट्स में आपने देखा होगा कि उनकी बॉडीज़ जो हैं वो हेड मेन बॉडी और टेल में डिवाइडेड होती हैं फॉर एग्जांपल एक सेंटीपैड बारिश के दिनों में आपने कुछ इंसेक्ट देखे होंगे ना चलते हुए सेंटीपैड एंड मिलीपैड या हिंदी में आपने कभी सुना होगा कन खजूरा जिसे कहते हैं कन खजूरा जो एक ऑर्गेनिज्म है दैट दैट बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर क्लास और इसमें आप देख सकते हैं उनका एक डिस्टिंक्ट हेड होता है जिस पर uh, एंटीने लगे रहते हैं बाकी पूरी बॉडी में छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं और बहुत सारे पैर हैं और फाइनली एक टेल होती है तो ये भी सेगमेंटेशन का एक पार्ट है लेकिन सारे ऑर्गेनिज्म ज़रूरी नहीं है कि इस तरह का सेगमेंटेशन फॉलो करें कुछ ऑर्गेनिजम्स में हेड हो सकता है उसके बाद थॉरिक्स हो सकता है और पीछे एबडामिन पार्ट हो सकता है एबडामिन में फिर कई सारे सेगमेंट्स हो सकते हैं जैसे कि आपने आई गेस हनी बीज देखी होंगी या फिर नॉर्मल फ्लाइज घरों में रहने वाली जो फ्लाइज हैं मॉस्किटोज़ को ऑब्जर्व किया होगा तो इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म हैं पर्टिकुलरली इंसेक्ट They have their division of the body as head, thorax, and abdomen. Abdomen may have multiple segments, and those segments may have different components which are repetitive over time. Kuch arthropods asebi ho sakte hai, head or thorax, dono ek bada part bana leta hai, And those organisms are uh, some of the delicious foods for some people. Jo seafood may interest hai, crayfish, and uh, maybe like prawns. इस तरह के ऑर्गेनिजम्स में हेड और थॉरिक्स दोनों मिलकर एक बॉडी का सेगमेंट बनाते हैं और उसे हम सिफेलोथॉरिक्स कहते हैं जबकि बाकी बचा हुआ जो पार्ट है दैट इज नोन एज एबडाम तो ये इन ऑर्गेनिजम्स की आर्थ्रोपोड्स की एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक में आता है ये जो इनके अपनडिज हैं जितने भी ये बाहर से जुड़े हुए हैं इजीली टूट जाएंगे अगर आप कोई भी इंसेक्ट देखो कभी भी मॉस्किटो आपने हाथ से अगर मारा बाई चांस तो उसके लेग्स अलग हो जाते हैं या कोई भी इंसेक्ट आ, ऐसे ही मर गया तो उसकी जो लेग्स हैं उसके जो अपेन्डिज हैं बहुत आसानी से टूट जाते हैं क्योंकि वो बाहर से जुड़े होते हैं और ये इस फाइलम की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है अपार्ट फ्रॉम दैट मेटामेरिज्म तो आगे सारे फाइलम में आपको देखने को मिलेगा और जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि मेटामेरिज्म सिर्फ चीज़ों का रिपीटेशन नहीं है सिर्फ सेगमेंटेशन नहीं है इन सेगमेंट के अंदर जो चीज़ें प्रेजेंट हैं जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं वो एक सिंक्रोनाइज्ड मैनर में काम भी करते हैं एक दूसरे की मदद करते हैं ताकि पूरा ऑर्गेनिज्म एज अ होल कोई भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन कर पाए अब मेरा क्वेश्चन एक आपसे है कि क्या सारे आर्थ्रोपोड्स इंसेक्ट ही होते हैं क्या आप स्पाइडर को इंसेक्ट कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं उाउू यू डिफाइन एन इंसेक्ट हाउ डू यू डिस्टिंग विद इन दर्थ्रोपोर्ट्स तो कैसे आर्थ्रोपोर्ट्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है कैसे उनको सब डिवाइड किया जाता है वी विल सी आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक हेलो एवरीवन थर्मोडाइनमिक्स फिजिक्स का एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारी कंफ्यूजन अक्सर बनी रहती हैं सिस्टम और सराउंडिंग की यह कंफ्यूजन हम दूर करने के लिए आपके सामने आ रहे हैं मैं हूं डॉक्टर सचिन कुमार और एस चांद एकेडमी पर हम आएंगे और पढ़ेंगे थर्मोडाइनमिक्स के ऐसे ही टॉपिक्स बिल्कुल आसान तरीके से सो जस्ट स्टे कनेक्टेड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हम कनेक्टेड रहें और आप तक ऐसे ही टॉपिक्स लाते रहें और आप बढ़िया से पढ़ाई कर पाएँ वेलकम बैक टू वैश्वान अकेडमी ब्रेक से पहले हमने एक पॉइंट पर डिस्कशन इनिशिएट किया था कि क्या सारे इंसेक्ट आर्थ्रोपोड्स होते हैं या फिर सारे आर्थ्रोपोड्स इंसेक्ट होते हैं सो डियर व्यूअर्स इंसेक्ट इज़ अ सब कैटेगरी ऑफ आर्थ्रोपोड्स जो इंसेक्टा एक ग्रुप है वो एक सब कैटेगरी है आर्थ्रोपोड्स की यानी कि सारे आर्थ्रोपोड्स इंसेक्ट नहीं होते हैं कई सारे आर्थ्रोपोड ऐसे हैं जो इंसेक्ट नहीं होंगे तो कैसे हम इंसेक्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे कैसे हम आर्थ्रोपोर्ट्स को कैटेगराइज कर सकते हैं ताकि हम पहचान सकें कि कौन से आर्थ्रोपोर्ट इंसेक्ट हैं और कौन से नहीं हैं सो लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक क्लासिफिकेशन नाउ वी लुक एट द क्लासिकल वे ऑफ टेक्सोनॉमिक सब ग्रुपिंग ऑफ आर्थ्रोपोट्स वी विल फाइंड दैट इट हैज बीन डिवाइडेड इन फाइव इंपॉर्टेंट सब ग्रुप्स विच में बी कंसिडर्ड एज सब फाइलम अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न क्लासेस और इट में बी कंसिडर्ड एज क्लासेस अकॉर्डिंग टू दी ओल्ड स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन यानी कि हम अगर कुछ टेक्सट बुक्स में देखेंगे तो हमें चार क्लासेस भी मिलेंगी आथोपोडा के अंदर जो चार क्लासेस चैलीसरेट्स मीरियापोर्ड्स क्रस्टेशन एंड हैगजपोर्ड्स होते हैं लेकिन अगर आप और रिसेंट अपडेट्स इसमें देखेंगे तो आप पाएंगे कि दीज फाइलोजेनेटिक ग्रुप्स हैव बीन री वंस अगेन इनको दोबारा रीऑर्गेनाइज किया गया है and they have now been considered as the sub phylum and some of the evidences are also there kuch aise evidences bhi hain there is still a debate on taxonomic groups where hexapoda has also been kept within the the taxon or the clade of crustaceans so let's talk about these characteristics and characteristics jo hain inke bare mein hum ek bar dekhte hain लेकिन इससे पहले एक आप additional group और देख रहे हैं यहाँ पर एक additional class और देख रहे हैं जो कि arthropods की है

और साथ ही साथ उनके जो अपेंडिज़ होते हैं उनके जो लेग्स एंड बाकी अपेंडिजेज हैं वो एक्सटर्नली जॉइंड होते हैं सो दे ऑल्सो फुलफिल्ड दैट क्राइटेरिया बट दे डोंट हैव दे आर नॉट प्रेजेंट टुडे आज की डेट में वो प्रेजेंट नहीं है सो सम ऑफ द टेक्स बुक्स विल नॉट मैंशन मच अबाउट दीज पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स एंड दिस टेक्सॉन मे नॉट बी प्रेजेंट इन द कन्वेंशनल क्लासिफिकेशन ये हो सकता है कि कुछ बुक्स में आपको देखने को ना मिले सो वी विल फोकस पर्टिकुलरली ऑन दीज फोर सब ग्रुप्स इन चार क्लासेस पर हम फोकस करेंगे लेट्स स्टार्ट वन बाई वन सबसे पहले हम बात करते हैं चेलीसरेट्स की सो so ये जो चेलीसरेट्स का ग्रुप है ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें आर्थ्रोपोड कैरेक्टर्स के अलावा इनमें एक अपेंडेज का पेयर जो होता है जो अपनेडिज होती हैं दे आर मॉडिफाइड इन टू स्पेशलाइज माउथ पार्ट्स विच आर कॉल्ड एज चेले आपने स्पाइडर्स को देखा होगा आपने स्कॉर्पियंस को देखा होगा उनके माउथ पार्ट्स आगे की तरफ स्पेशलाइज्ड होते हैं जो फैंज़ेस में कई बार डेवलप्ड हो जाते हैं सो दिस स्पेशलाइज्ड माउथ पार्ट्स विच आर इवॉल्व फॉर बाइटिंग इवॉल्व फॉर च्यूइंग और फॉर पैरालाइजिंग द प्रे ये सारे माउथ पार्ट्स जो हैं कलेक्टिवली आर कॉल्ड एज चेलेसरी और इस चेलेसरी के बेसिस पर ही इनको इस पर्टिकुलर क्लास या सब फाइलम में रखा गया जिसको हम चेलीसरेड्स कहते हैं सो विच ऑर्गेनिज्म यू विल फाइंड इन दिस ग्रुप ऑल द टिक्स माइट्स स्पाइडर्स स्कॉर्पियंस ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो चैलीसरेट्स के अंदर ही आते हैं अगली क्लास जो है आर्थ्रोपोड्स की वो है मेरियापोड्स बारिश के मौसम के दौरान आपने बहुत सारे छोटे छोटे रेंगते हुए कुछ ऑर्गेनिजम्स देखे होंगे जिनके हज़ारों पैर नज़र आते हैं और यही वजह है कि इनको मीरिया पॉड्स मिलियंस ऑफ लेग्स इसलिए इनको ये नाम दिया गया है सो दिस काइंड ऑफ लुकिंग ऑर्गेनिजम्स विच हैव मिलियंस ऑफ लेग्स दैट इज जस्ट अ मेटाफर एक्चुअली में मिलियंस लेग्स नहीं होते हैं दे माइट बी लिमिटेड कुछ हंड्रेड्स ऑफ लेग्स होंगे लेकिन वो अपेयरेंस में बहुत सारे दिखते हैं इसलिए उनको मेरियापोर्स कहा गया है सो दे आर कैरेक्टराइज बाय हैविंग न्यूमरस बॉडी सेगमेंट्स पूरी बॉडी इनकी सेगमेंटेड होती है लाइन्स दिखेंगी लेकिन अगेन एक बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि इनका जो सेगमेंटेशन है इट इज़ नॉट मेटामेरिज्म जो कि एनालिट्स में होता है दिस इज एक्सटर्नल सेगमेंटेशन ओनली ये बाहरी सेगमेंटेशन होता है केवल

दैन कमिंग टू द नेक्स्ट क्लास सम ऑफ यू माइट बी फॉन्ड ऑफ सी फूड आप में से कुछ लोग जो व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं कुछ लोग सी फूड को लाइक करते होंगे तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जैसे कि प्रॉन क्रैब्स क्रिल्स ये सारे ऑर्गेनिज्म कंज्यूम भी किए जाते हैं सो ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स विच हैव अ वेरी स्ट्रोंग पार्ट क्लोज टू देअर हैड एंड थॉरक्स इनफैक्ट उनका जो हैड और थॉरक्स है वो एक साथ मिलकर सिफेलोथॉरिक्स बना लेता है सो प्रेजेंस ऑफ सिफेलोथॉरक्स विच यू सी इन द क्रैब और यू सी इन द प्रॉन जो आगे का पार्ट होता है विच इज़ कवर्ड बाई टैलिटन दैट इंटायर पार्ट इज कॉल्ड ए सफेलोथॉरिक्स एंड ये इस क्लास की पर्टिकुलरली कैरेक्ट्रिस्टिक होती है और इसमें बायरामस uh, एपेंडिजेस होती हैं दे हैव सम्स ten appendages as many as ten appendages which include their mouth parts and legs and uh, many of them are terrestrial as well kai sare usme se terrestrial hote hain jinme se thorax mein hi sirf chhe legs hoti hain so these are all called as crustaceans what are the prominent examples iske prominent examples jo hain wo hain crab prawns. हिंदी में अगर आप केकड़ा जानते होंगे तो केकड़े जो हैं वो इस group को belong करते हैं crustaceans group को ना लेट बी आस्क यू अन अदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैंने शायद पहले भी आपसे इस बारे में बात की थी कि इंसेक्ट्स को आप पर्टिकुलरली कैसे डिफाइन करेंगे क्या सारे आर्थ्रोपोड इंसेक्ट होते हैं क्या आप एक स्पाइडर को इंसेक्ट कह सकते हैं इज इट पॉसिबल टू कॉल स्पाइडर एंड इंसेक्ट सो मैनी पीपल इन इन डे टू डे लाइफ दे आर ऑफन नॉट वेरी क्लियर अबाउट दिस डेफिनीशन उनको लगता है कि कोई भी क्रीपी लुकिंग ऑर्गेनिजम्स जो है जो इंसेक्ट जैसा दिखता है वो इन्सेक्ट ही होगा बट टेक्सोनोमिकली अगर हम जोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो हमें ये बात क्लियरली जाननी होगी कि एवरी आर्थ्रोपोड इज़ नॉट इंसेक्ट ये जो हमने बाकी क्लासेस देखी चैलीसरेट्स विच इंक्लूड स्पाइडर्स मेरियापोड्स विच इंक्लूड ऑर्गेनिजम्स विद मिलियंस ऑफ लेग्स क्रिस्टेशन लाइक प्रॉन्स ये सारे इंसेक्ट नहीं हैं लेकिन जो इंसेक्ट्स हैं वो बेसिकली बिलोंग करते हैं इस पर्टिकुलर क्लास को जिसका नाम है हेग्जा एंड एज द नेम सजेस्ट जैसा कि इसका नाम से आप देख पा रहे हैं हैंग्जापोडा पोडा मीन्स लेग्सा मीन्स सिक्स सो दे हैव सिक्स लेग्स और बेसिकली थ्री पेयर ऑफ अपडिजे तीन लेग्स तीन पेयर ऑफ लेग्स इनमें होती हैं एंड समटाइम्स सम ऑफ द लेग्स माइट बी मॉडिफाइड इन टू विंग्स और थ्री पेयर ऑफ लेग्स मे बी प्रेजेंट अलॉन्ग पेयर और टू पेयर ऑफ विंग्स कई बार दो पेयर ऑफ विंग्स भी इनमें हो सकते हैं तो अगर कोई ऐसे आर्थ्रोपोड्स आपको दिखते हैं जिनमें छः पेयर लेग्स हैं कैरेक्ट्रिस्टिकली और उनमें कई बार दो पेयर या एक पेयर विंग्स भी हैं वो सारे ऑर्गेनिजम्स हेक्सापोडा क्लास के अंदर आते हैं एंड विद इन दिस क्लास इसी क्लास के अंदर एक पर्टिकुलर कैटेगरी है इंसेक्ट्स की सो इन द अर्यर डेज दिस इंटायर फैमिली वॉज कॉल्ड एज क्लास इंसेक्टा इसी को इंसेक्टा कहा जाता था लेकिन विद द अपग्रेड्स इन टेक्सोनोमी जैसे जैसे क्लासिफिकेशन में अपग्रेड्स हुए नई जानकारी आई वैसे इसको एसेंट uh, कर दिया गया सब फाइलम के लेवल पर और इस सब फाइलम के अंदर फिर एक इंसेक्टा क्लास होती है सो देर आर ऑल ऑल दी एग्जाम्पल्स ऑफ फैंसी लुकिंग इंसेक्ट्स जैसे कि बटरफ्लाइज मॉथ्स इवन फ्लाइज और मॉस्किटोज़ एंड हाउस फ्लाइज ये सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं हेक्सापोडा के अंदर ही आते हैं सो आई होप दिस classification इज़ वेरी क्लियर टू यू आपकी टेक्स बुक से रिजेंबल करता हुआ क्लासिफिकेशन है लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि टैक्सोनॉमी लगातार अपग्रेड होने वाली चीज़ें हैं और हो सकता है कि कई चीज़ें आपकी बुक्स में ना हो। ये जो कन्वेंशनल क्लासीफिकेशन स्कीम्स हैं ये आज की डेट में बहुत बदल चुकी हैं वी डोंट इवन हैव टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स टेक्सॉन फ्री क्लासिफिकेशन भी प्रपोज uh, किया जा चुका है एंड देर हैव बीन डिबेट्स लॉट ऑफ डिबेट्स अबाउट द कनेक्शन ऑफ दिज हैग्जोड्स एंड क्रिस्टेशन अर्लियर इट वॉज फाउंड दैट हैग्जोर्ड्स आर क्लोजली रिलेटेड टू मेरियापोर्ड्स इससे डिलाईव हुए हैं वो लेकिन अभी रिसेंटली ये पता चला कि क्रिस्टेशन से इनकी क्लोजनेस काफ़ी ज़्यादा है सो दिस वॉज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स ये तो इंसेक्ट के क्लासिफिकेशन की बात थी इसके अलावा अगर हम इंसेक्ट की जनरल इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस की बात करें तो हम देखेंगे कि इंसेक्ट्स दिखने में हो सकता है कि हमारे लिए हार्मफुल हों कई सारे इंसेक्ट्स हमें बीमार कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल यू मे बी नोइंग अबाउट मलेरिया दैट इज़ कॉज बाई मॉस्किटोज़ एंड मॉस्किटोज़ दे आर कैरियर ऑफ सो मैनी प्रोटोजोन्स जो कि बीमारी फैलाते हैं सिमिलरली अ फ्लाई कॉल्ड सी सी फ्लाई दैट कॉजिज़ अ डिज़ीज़ फ़नी लुकिंग डिजीज़ कॉल्ड स्लीपिंग सिकनेस इस तरह की बीमारी होती है लेकिन इस तरह से तो अगर हम सोचेंगे तो हमें लगेगा कि क्यों ना हम दुनिया के इंसेक्ट्स को ख़त्म ही कर दें ये बीमारी फैला रहे हैं दुनिया के सारे मॉस्किटोज को ख़त्म कर दो मक्खियाँ जो हैं वो कॉलरा फैला रही हैं तो मक्खियों को ख़त्म कर दो विल इट बी वर्थ एंड विल इट बी गुड इनफ टू रिमूव ऑल दी इंसेक्ट्स फ्रॉम द अर्थ नो डियर व्यूअर्स दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस इंसेक्ट्स जो हैं वो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं लीव अबाउट दोज पैथोजेनिक एंड हार्मफुल इंसेक्ट्स लेकिन इनके बिना आप ना तो फ्रूट्स खा पाएंगे ना फल खा पाएंगे ना सब्जियां ना दालें ग्रेन्स कुछ भी नहीं होगा एग्रीकल्चर एंड बेसिकली द पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स इज डिपेंडेंट मोस्टली ऑन इंसेक्ट्स सो वी कैन नॉट इवन थिंक अबाउट रिमूविंग द इंसेक्ट दे आर हाईली इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट फॉर अस

आपने देखा कि इंसेक्ट्स जो हैं वो एवोल्यूशनरी टाइम स्केल पर आ, हम लोगों से यानी कि कॉर्डेट से काफ़ी पीछे हैं लेकिन एट द सेम टाइम इंसेक्ट्स आर आल्सो कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ़ द मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ अब तक जो इतने मास एक्सटिंक्शन्स हुए इतनी बार आइस एजेस आई लेकिन इंसेक्ट कभी भी एक्सटिंक्ट नहीं हुए इनफैक्ट कॉकरोच जो आप घरों में देखते हैं दैट इज़ कंसिडर टू बी द मोस्ट सक्सेसफुल इंसेक्ट एवर इसने सारे मास एक्सटेंशंस मेट्योराइड आइस एजेस सबको सस्टेन किया और ये सबसे पुराना ऑर्गेनिज्म है जो अब तक एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए उसको लिविंग फॉसिल भी कहते हैं सो व्हाई दे आर सो सक्सेसफुल दे डोंट हैव आई मीन सो मेनी सेंसरी ऑर्गन्स दे दे हैव स्पेशलाइज्ड फीडिंग हैबिट्स दे हैव स्पेशलाइज फूड ऑर्गन्स फूड च्यूइंग ऑर्गन्स दे हैव वेरी स्पेशलाइज्ड एनाटोमी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनका जो विजन होता है

वो ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं कोई प्रे कहीं पर है या कहीं डार्कनेस है वहाँ छुपना है या कोई लाइट की शेड चेंज हुई तो वहाँ मूव करना है समथिंग इज मूविंग दिस ऑर्गेनिजम्स आर्थ दे हैव वेरी वेल स्पेशलाइज आई सिस्टम इनकी आइज़ हमारी तरह नहीं होती हैं इनकी आइज जो हैं दे आर कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स आइज देट मीन्स दे हैव थाउजेंड ऑफ स्मॉल मिनिएचर आईज इन इन वन कम्पलीट आई सेटअप एंड देर फो दे आर एबल टू हैव मच मोर कॉम्प्लेक्स विजन and not only this we can only see the world in the visible range hamekeval visible range may light the range, you won't believe honeybee they can actually see ultraviolet rays as well so their vision is much more specialized that might not be very clear like us but they have much better photosensory receptors which we will discuss तो कॉम्प्लेक्स आई इंसेक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो इसको बाकी ऑर्गेनिज्म से अलग बनाता है आप अगर कभी क्लोजली देखें किसी इंसेक्ट को या हैंड लेंस की मदद से किसी इंसेक्ट की आँख को देखने की कोशिश करें सो यू विल फाइंड दैट देयर आई इज़ अटैच टू अ स्टैक एंड इट हैज सेवरल थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल स्मॉल लेंसेज प्रेजेंट इन इट नाउ ईच ऑफ दीज लेंस कैन फॉर्म एन इमेज एंड दैट कैन क्रिएट अ वेरी क्लियर पिक्चर इवन विद दिस इमेच्योर लेस डेवलप्ड और लेस कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम कम्पेयर टू द ह्यूमन आई ह्यूमन विजन इज़ मच मोर एडवांस हमारा विज़न बहुत एडवास्ड है लेकिन इसके बावजूद ये जो कॉम्प्लेक्स आइज़ होती हैं ये काफ़ी क्लियरली इनके सोर्सेज को इनके फूड को रिकोगनाइज़ करने में मदद कर सकती हैं तो अगर थोड़ा सा और इसका डिटेल हम देखना चाहें ये जो आई है स्टैक के साथ प्रेजेंट होती है और इसमें छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हम हर एक कंपोनेंट को एक ओमेटीडियम कह सकते हैं यानी कि आई का एक पार्ट कह सकते हैं इफ़ यू लुक एट द ट्रांसवर्स सेक्शन अगर आप इस आई को ट्रांसवर्सली कट करके देखेंगे तो जो ऊपर का पार्ट है दैट इज इट्स फैसेट एंड यू हैव क्रिस्टलाइन कोन्स कोन्स आर स्पेशलाइज सेल्स एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जो इसमें प्रेजेंट हैं

सो द आउटर मोस्ट पार्ट जैसे हमारी आंख में बाहर की लेयर कॉर्निया होती है ऐसे इसके एक सिंगल ओमिटेडियम में भी एक कॉर्निया है देन यू हैव कॉर्निया प्रोड्यूसिंग सेल्स फॉलोड बाय द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल कॉल्ड कोन सेल्स सो कोन सेल्स आर समथिंग वैन लाइट फॉल्स ऑन देम जब इनके ऊपर लाइट पड़ती है दे जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल बाई चेंजिंग द आयन मूवमेंट इसके अंदर और बाहर आयन चैनल्स कुछ ओपन होते हैं दे चेंज दी chemical environment and that sends signal to the underlying neurons now besides cones they also have retinoid cells and a retinal pigment this retinal pigment is responsible for change in the light energy to the chemical energy and then finally neuronal signals so we have this arrangement initially we have cornea which is similar to our eyes and then we have some iris pigment and cornea producing cells we have cones

पिक्सल बाई पिक्सल इफ यू कैप्चर द इमेजेस बाई डिफरेंट कैमराज एंड इफ यू कम्बाइन दैट दैट कैन डेफिनेटली इम्प्रूव द रेजोल्यूशन तो इस इमेच्योर लेस डेवलप लेस इवॉल्व सिस्टम में विजन की ये जो इनॉर्मस पावर है ये कॉम्प्लेक्स आई से ही आई और एक और फाइनल इंटरेस्टिंग बात वो है कि कुछ इंसेट्स जैसे कि हनी भी वो हमारी तरह सिर्फ विजिबल लाइट ही नहीं देख सकते हैं दे कैन ऑल्सो सी UV light we UV light ko bhi sakte so that is an interesting thing about insects their world might be very different than the world we see jo hum hai, uske comparison mein alag ho hai, since they can see a different wavelength of light and they can perceive signals unlike any other organism so this was all about phylum arthropoda let us summarize what we have discussed so far we have talked about the general characteristics of arthropoda दे आर ट्रिपलोप्लास्टिक दे आर ट्रू सिलोमेट एंड दे हैव थ्री जर्मिनल लेयर्स दे हैव बायोलिट्रल सिमिट्री अपार्ट फ्रॉम देट उनका नाम आर्थरोपोडा इसलिए दिया गया है क्योंकि इनमें एक्सटर्नली ज्वाइंटेड अपेंडिज होते हैं बाहर से जुड़े हुए लेग्स जिनमें अंदर से कोई इंटरनल कनेक्शन नहीं है फिर हमने क्लासीफिकेशन की बात की हमने आर्थ्रोपोट्स का जनरल क्लासीफिकेशन देखा और ये भी सीखा कि सारे आर्थ्रोपोट्स इंसेक्ट्स नहीं होते हैं सम इंसेक्ट्स इंसेक्ट इज अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ आर्थरोपोट्स एंड देर फॉर एवरी थिंग इज नॉट इंसेक्ट। फिर हमने ह्यूमन और इंसेक्ट्स uh, और आर्थ्रोपोड्स के कॉन्टैक्ट uh, कनेक्शन के बारे में देखा कि दैट हाउ दे आर बेनिफिशियल टू अस हमारे लिए किस तरह यूजफुल हैं एंड हाउ दे आर हार्मफुल टू अस एंड फाइनली वी हैव कंक्लूडेड विद वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ़ इंसेक्ट्स दैट इज दे आर कॉम्प्लेक्स आई अगर आप जोलॉजी के और भी चीज़ों के बारे में और टॉपिक्स के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो आप इस बुक को रेफर कर सकते हैं और अगर आपके पास इसकी हार्ड कॉपी नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से ई e बुक का एक्सेस ऑप्टेन कर सकते हैं इस वीडियो में इतना ही आने वाले वीडियोस में हम और भी बहुत सारे फाइलम्स और इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए एंड डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल थैंक यू वेरी मच All rights resolved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.